आज हिंदी की क्लास में हम लोग एक नया और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार में क्या आएगा? हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। आप सब लोगों को याद होगा, बचपन में आप लोगों ने वर्णमाला सीखी थी। जब हम एक बच्चा 4, 5, 6 साल तक का होता है तो उसके ऊपर टीचर्स जो काम करते हैं वो वर्णमाला से हिंदी में उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं। ये वर्ण है क्या, क्यों इनकी जरूरत पड़ी, इनको ये साइन क्यों दिए गए। स्टार्टिंग में इंसान के पास कोई खास भाषा नहीं थी। सबसे पहले इंसान सांकेतिक भाषा का यूज करता था। धीरे 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 जैसे जैसे दिमाग का विकास होता गया, सांकेतिक भाषा को तब्दील किया गया मौखिक भाषा में। और जब ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ गया कि जबानी चीजों को दूसरी पीढ़ी तक कन्वे करना पॉसिबल नहीं हुआ, तब जरूरत महसूस की गई कि कुछ ना कुछ ऐसी कोई तैयारी की जाए जिससे कि ज्ञान को लिखकर संचित कर लिया जाए अगली पीढ़ी के लिए। वहां जाके लिखित भाषा का रूप सामने आया और लिखित के कारण ही आज ये मैं आप जो इतनी चीजें जान पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान है लिखित का, भाषा के लिखित रूप का। मौखिक चीजें अभी हैं, 5 मिनट बाद कहाँ। मैंने अभी स्टार्टिंग में आते ही जो बात कही थी वो कहाँ है। सब चीजें इस ब्रह्मांड में खो जाती हैं, लिखित चीजें लंबे टाइम तक स्थायी रूप से हमारे साथ रहती हैं, हमारे पास रहती हैं। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, भाषा का स्थायी रूप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको टिक करना है लिखित भाषा, स्थायी परमानेंट जो हमेशा रहेगा। और भाषा का प्राचीनतम रूप कहेंगे तो आप टिक कीजिएगा मौखिक। सांकेतिक भाषा को जो अब जो मानक हिंदी जो निदेशालय काम कर रहा है हिंदी का, उसका मानना है कि सांकेतिक को हम भाषा की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो मेन भाषा के 2 रूप हैं, एक लिखित और एक मौखिक। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखित मौखिक के बाद अगली बातचीत करते हैं कि वर्ण क्या है, वर्ण क्या है। वर्णमाला से पहले वर्णों को जानना जरूरी है। जितनी भी साउंड हम क्रिएट करते हैं, मनुष्य अपने मुख से जो भी आवाज क्रिएट करता है उस आवाज को एक सिंबल दे दिया गया। जैसे देखिए, मैं लिखती हूं, मैं बोलती हूँ म, मैंने म बोला, ऐसा बना दिया। मैं कहती हूँ ल, तो आप ऐसा समझ जाएंगे। मैं कहती हूँ ट, तो आपके दिमाग में ये इमेज बनेगी। अगर मैं कहती हूँ क, तो सबके दिमाग में ये पिक्चर बनेगी। ये कुछ सिंबल हैं जिनको बना दिया गया कि अगर ऐसी साउंड निकाले तो ऐसे सिंबल से उसको इंडिकेट करना है। या ऐसे कह लें कि अगर ये सिंबल लिखा है तो हमें साउंड क्रिएट करनी है क की, ये लिखा है तो ट की, ये लिखा है ल की, ये म की, ऐसे बहुत सारे हमने सिंबल बना लिए। जैसे ही वो सिंबल दिखे तो आप वैसी साउंड क्रिएट कीजिएगा, या जो भी आप साउंड निकालते हैं उनको समझाने के लिए कुछ सिंबल बना लिए गए, कुछ चिन्ह मानक बना लिए गए, उन चिन्हों को ही हम वर्ण कहते हैं। या कह सकते हैं मानव मुख से निकली ध्वनि को हमने एक रूप दे दिया, उस रूप का नाम ही वर्ण है। और जब उन्हें सिस्टमैटिक लिखा जाए तो वर्णमाला कुछ नहीं है। आप जो साउंड क्रिएट कर रहे हैं ल, च, ट, प, म, इन सबका रूप बना दिया, उस साउंड को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि साउंड ही तो होती है, और उसके लिए जो सिंबल बना दिया वो वर्ण कहलाया। और जब उन्हें सिस्टम से लिख दिया गया तो वो वर्णमाला बन गई। वर्णमाला में 2 चीजें मेन होती हैं, एक है स्वर और एक है व्यंजन। ये बचपन में सुने हैं आपने और खूब लंबे टाइम तक पढ़े भी हैं, लेकिन अब क्योंकि यूज नहीं होते, हम टाइम बीतने के साथ साथ आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो नहीं दिखेगा वो याद भी नहीं रहेगा। तो स्वर क्या है, अब एग्जाम में आएगा तो आपको याद रखना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। स्वर कहते हैं ऐसी ध्वनि, कोई भी ऐसी साउंड जिसको बोलते टाइम कहीं भी हवा, जब हम बोलते हैं ना, साउंड क्रिएट करते हैं तो हमारे गले से पूरा एक वोकल कॉर्ड है, यहाँ पूरा एक सिस्टम है, इससे ध्वनि निकलती है, इससे साउंड निकलती है, हवा बेसिकली निकलती है, प्राण वायु जिसे कहते हैं। और हमारी जो जबान है, जो जीभ है, ये अगर कहीं पे टच होती है, कोई रुकावट पैदा करती है, तो उन्हें कहते हैं व्यंजन। और जब बिना किसी रुकावट के मानव मुख से इजीली ध्वनियां निकलती जाएं, तो उन्हें हमने नाम दिया है स्वर। स्वर बिना किसी रुकावट के, एक मैं बता के एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, अ, अ में साउंड की कहीं रुकावट नहीं है, क साउंड की रुकावट है, म रुकावट है, ल रुकावट है, अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ, इनमें कहीं कोई रुकावट नहीं है, सीधे गले से प्राण वायु बाहर निकल रही है, ये सारे स्वर कहलाएंगे। व्यंजन में आप बोल के देखेंगे क ल ट,
आपकी जबान को कहीं ना कहीं, कभी वो मूर्धा को टच कर रही है, कभी तालु को, कभी वो गले में साउंड का इफेक्ट महसूस हो रहा है। पहले स्वर पढ़ते हैं, फिर व्यंजन को डिटेल से जानेंगे। स्वर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, वैसे कहीं कहीं किताबों में तीन लिखे हैं, लेकिन हिंदी में आप दो टिक कीजिएगा। प्लुत बताते हैं लेकिन वो हिंदी में नहीं टिक करना। सबसे पहले स्वर का हिस्सा है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व क्या होते हैं जान लीजिए। ह्रस्व का मतलब है जब आपके मुख से, जब मानव मुख से कोई भी साउंड क्रिएट हो रही है, बिना रुकावट के आवाज आ रही है और उसको बोलते टाइम बहुत कम टाइम लग रहा है। जनरली किताबें लिखती हैं एक मात्रा का समय। देखिए अ, ई, उ और री ऋषि। ये जो री ऋषि है ना, ये र ऋषि नहीं है, ये है री ऋषि। संस्कृत के शब्दों में ही इसका ज्यादा यूज है, हिंदी में सिर्फ वहां देखने को मिलेंगे जो डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में आए हैं। मैंने शायद तत्सम तद्भव आपको बताया हो, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अगली किसी वीडियो में मैं तत्सम तद्भव के बारे में चीजें क्लियर करूंगी। तो देखिए अ, ई, उ, री, इन चारों को बोलते टाइम बहुत थोड़ा समय बिना रुकावट के आपके गले से आवाज बाहर आई और बहुत थोड़ा समय लगा, इसलिए एक मात्रा का समय, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ में जो बच गए सारे दीर्घ हैं, दीर्घ देखिए क्या क्या है, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आउ। बहुत सारे लोग इनको छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ भी कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमें यहाँ कोई हिंदी का कोई ज्ञाता नहीं बनना है और ना ही कोई आपसे वहां पे साउंड क्रिएट करवा के देखने वाला है। जैसे आपको याद हो, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे सीखिए। आपका पेपर आएगा, आपको टिक करके आना है, आपको कहीं कोई हिंदी का एमए या पीएचडी की डिग्री नहीं लेनी। तो आपको जैसे आसानी से चीजें याद होती हो बिना बर्डन के वैसे याद कीजिए। चाहे तो इसको आप बड़ा ए कहिए, छोटा ए कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। साउंड क्रिएट नहीं करनी इसलिए फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कहें कि बोल के दिखाओ तो एक अलग बात है। तो यहां अगर आप कंफर्टेबल है छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा ओ में, तो आप ऐसे याद कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। अब देखिए जरा अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, इनके बाद आता है ए, आई, ओ, औ। ये कुल मिला के अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने चार ऊपर वाली लाइन में लिखे हैं और सात नीचे वाली लाइन में। चार और सात कितने हुए, ग्यारह। यानी स्वरों की संख्या हिंदी में ग्यारह मानी गई है। स्वर जिनको बोलते टाइम बिना किसी रुकावट के हवा गले से इजीली प्राण वायु बाहर आ जाए, किसी में एक मात्रा का समय, किसी में दो मात्रा का समय, उसके अकॉर्डिंग उन्हें ह्रस्व कहना है और दो मात्रा वाले में दीर्घ कहना है। कहीं कहीं किताबों में आपको लिखा मिलेगा प्लुत, उम्मीद नहीं है क्वेश्चन बनने की। मानक हिंदी में प्लुत अब नहीं है, पहले था, लेकिन अब अगर आप नई चीजों को पढ़ेंगे तो हिंदी निदेशालय ने प्लुत को अब कंसीडर नहीं किया है। क्या है प्लुत बात कर लेते हैं फिर भी, इन केस आज है। प्लुत का मतलब है ऐसे वर्ण कह लो, स्वर कह लो, कोई फर्क नहीं, वर्ण में व्यंजन भी आएंगे। स्वर जो है वो मेनली वही है जिसको बोलते टाइम हवा बिना किसी रुकावट के गले से बाहर आ जाए। तो प्लुत का मतलब क्या है, जब किसी स्वर को बोलते टाइम, बहुत सारी किताबें लिखती हैं तीन मात्रा का समय लगे, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि इसको बोलते टाइम कितनी मात्रा का समय लगाना है ये बोलने वाले के ऊपर निर्भर करता है। देखिए एक एग्जाम्पल, मैं एक शब्द लिख रही हूं ओम, कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा मिलेगा, ये तीन जैसा भी लिख सकते हैं और ये एस जैसा भी, दोनों मानक है, अब तो यूज ही कम होते हैं। अब इसको बोलते टाइम ओम जब बोल रहा है कोई आदमी तो वो ओम कितना भी लंबा खींच दे, तीन मात्रा का समय लगा दे, पांच का लगा दे, आठ का लगा दे, ये गिनती ठीक नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जब किसी स्वर को बोलते टाइम दो से अधिक मात्राओं का समय लगता है तो उन्हें हम कहते हैं प्लुत। तीन कहना गलत है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी मात्रा, एक, दो, तीन, या कहते हैं चार, तो चार कहना गलत है। उस कंडीशन में किताबें कहती हैं तीन मात्रा, या तो हो कि कोई मात्रा है ही नहीं, लिमिट ही नहीं है, या फिर तीन, या आप देखिएगा क्वेश्चन की भाषा के अकॉर्डिंग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ह्रस्व और दीर्घ की। ह्रस्व कितने हैं, चार, अ, ई, उ, री, री सिर्फ संस्कृत के शब्दों में, और बाकी जो जितने बचे हैं वो सारे के सारे दीर्घ हैं। उनको बोलते टाइम दो मात्रा का समय लगता है, रुकावट किसी में नहीं होती, न ह्रस्व में न दीर्घ में। कुल संख्या सात और चार ग्यारह, ये थी स्वरों की कहानी। अब आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन एक बार अगर समझ लेंगे तो बेहद आसान है, टफ नहीं है।
व्यंजन की बात कर रहे हैं, आपको बचपन का याद हो, कचट, कचट तब, ये कचट ऐसे याद कर लेना, कचट तब, ताकि भूलो ना। ये स्टार्टिंग की लाइंस हैं और इनसे फिर पूरी लाइन आपको याद आ जाएगी। क के बाद आएगा क ख ग घ और ऐसा। इसको बहुत लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कुछ इसको अड़ बोलते हैं, कुछ इसको अंगे बोलते हैं। ये सही साउंड देखिएगा, इसकी सही साउंड ये है। ये कोई मानक वर्ड नहीं है जो मैंने लिखा है, कहीं ऐसा लिखा नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए लिखा है कि इसको साउंड को क्रिएट कैसे करना है। अंग मत बोलना, अंग, अंग में तो फिर पूरा ये ऐसे आएगा, ये नहीं है, ये अंग है, अंग, क ख ग घ अंग। बहुत लोग तो इसको गलत बोलते हैं, बहुत ज्यादा लोग, ये एग्जैक्ट साउंड बहुत कम लोगों को पता है। जो थोड़ा सा हिंदी को डिटेल पढ़ते हैं उन्हें पता है कि ये अंग, अंग करके इसकी साउंड क्रिएट करनी है। च की लाइन देखिएगा, च छ ज झ, और यहां क्या आएगा, च छ ज झ य, य करके इसको बोलना है। ट ठ ड ढ अण, पंचम वर्ण है ये, तो पीछे लिखे हैं पांचवे। मैंने पहले लिख दिया कचट तब और पीछे वाले पंचम वर्ण, नासिक के भी बोल देते हैं इन्हें, अंग य अण। त की लाइन देखिएगा, त थ द ध न। प की लाइन देखिएगा, प फ ब भ म। ये 25 एक साथ हो गए पूरे, पांच 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 के पांच पेयर, 25 व्यंजन हमने देख लिए। ये जो कचट तप है ना, ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, इसीलिए बताए जा रहे हैं। इन पांच के जो सबसे सामने मैंने लिखे हैं, इन लाइंस को बोलने में एक खास जगह हमारी जबान टच होगी, जीभ टच होगी, और जो भी साउंड क्रिएट करते टाइम हवा होती है ना, उसे किताबों में लिखते हैं प्राणवायु। आप किताबें जरूर पढ़िएगा, बिना किताबों के आपको चीजें याद भी नहीं होंगी। तो जब भी हवा बाहर आएगी, प्राणवायु बाहर आएगी, वो कहीं ना कहीं दबाव ज्यादा डालेगी, या तो वो गले पर, या फिर वो मूर्धा, या कंठ, या मूर्धा या तालू। ये कंठ क्या है, बिल्कुल चीक बीच का गला। जब आपकी जबान, जो आप हवा प्राणवायु निकल रही है, जब आपके ठीक गले के ऊपर, जैसे क बोलते टाइम ख, तो प्राणवायु गले के ऊपर ज्यादा दबाव दे रही है, वो साउंड वहां से क्रिएट हो रही है। जब आप बोलेंगे च छ, ये बोलने से ज्यादा समझ में आते हैं, तो आपकी जबान जो है ना, जो जबान है वो आपके, ये जो हमारी जबान है, एक जबान के नीचे वाला हिस्सा है, जिसको नीचे वाले दांतों के नीचे का हिस्सा, और एक है जबान के, जीभ के ऊपर वाला हिस्सा। कई बार गर्म चाय, बहुत ज्यादा गर्म चाय या कॉफी पीने से कई लोग कहते हैं कि जबान के ऊपर वाला हिस्सा जल गया, जीभ के अलावा। तो जब आप अपनी जीभ को, एक पूरा इसका स्ट्रक्चर है जिसको कायदे से समझना चाहिए, यहाँ उतना बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेन मेन में बता दूं जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। वैसे ये एक टॉपिक पढ़ाया जाता है एमए हिंदी के लेवल पर। हम मेन बात जान लेते हैं, कंठ गला, इन्हें कहते हैं कंठ व्यंजन। च वाले कहलाते हैं तालव्य या तालु। तालु क्या है, हमारी जबान, जीभ जो है ना, जीभ से बीच के कंठ से लेके ऊपर के दांतों तक, जो आपकी जीभ के ऊपर का हिस्से की बनावट है, इसी में आता है तालु। तालु, च बोल के देखिएगा, च छ, जहां आपकी जबान टच हो रही है ना, ये तालव्य है, ये हिस्सा तालव्य है। इसके बाद च छ ज झ य, सब में जबान टच करेगी तालु को, ये तालव्य है सारे। इसके बाद मैंने लिखा है ट ठ ड ढ ण, जब आप बोलेंगे ना, तो आप देखिएगा जहां जीभ जाके टच कर रही है, इससे कहा जाता है मूर्धा, और ये कहलाते हैं मूर्धन्य, मूर्धा। ट बोलते टाइम जहां भी आपकी जबान टच हो रही है, जहां आपकी जीभ टच हो रही है, वो मूर्धा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप एक अक्षर बोल के देखेंगे, ट बोल के देख लीजिए, ठ बोल के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मूर्धा किसे कहते हैं। च बोल के देख लीजिए, जबान जहां टच हो रही है वो मूर्धन्य और तालव्य है। अगला है त थ द ध न, जबान अगर आप ध्यान देंगे, त जबान दांतों पे टच हो रही है, इस पूरी लाइन में जबान दांतों पे टच होती है, इसलिए इनको दंत्य कहा जाता है। त थ द ध न, सारों में जबान, जीभ दांतों को टच करती है। लास्ट लाइन मैंने लिखी है कचट तब की, प, इसको बोल के देखेंगे, प फ ब भ म, हर एक में ओष्ठ का, होठ का यूज किया, इसलिए इन्हें ओष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। रटने की जरूरत नहीं होती अगर आप चीजों को समझ लेते हैं। क च ट त प, पांच लिखे, पांचों लाइन।
क वाली लाइन में क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। क वाली लाइन कंठ है, बिल्कुल मेन कंठ गले से। च वाली लाइन क्या है? च वाली लाइन मूर्धा या तालव्य? तालव्य। और ट वाली लाइन है मूर्धन्य, और त वाली लाइन है जबान कहाँ टच हो रही है? दांत पे, तो दंत। और प में आप दांत का यूज नहीं कर रहे हैं, होंठ का यूज कर रहे हैं, इसलिए ये है ओष्ठ्य। तो ये मैंने 25 बता दिए आपको। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिएगा, जो ये सेकेंड लाइन है ना, च छ ज झ, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, आएगा एग्जाम में, वहां आधों को पता ही नहीं चलेगा। ये सारे स्पर्श हैं, क से लेके म तक सारे के सारे, क्योंकि जबान कहीं ना कहीं टच होती है, चाहे गले में प्रेशर ज्यादा हो, चाहे मूर्धा पे, चाहे तालव्य पे, चाहे दंत पे, चाहे ओष्ठ पे, कहीं ना कहीं हमारी प्राण वायु टच होती है, इसलिए इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श तो एक मोटी कैटेगरी है, इस स्पर्श में स्पर्श संघर्षी अगर पूछा जाए, और इसी टाइप के पूछते हैं वो जिनको लोग कम तैयार करके आते हैं। स्पर्श तो सभी तैयार करके आएंगे, स्पर्श संघर्षी सेकेंड लाइन है, पंचम को छोड़ देना, च छ ज झ, ये स्पर्श संघर्षी हैं। कचट तप के बाद हमारा जो रह गया हिंदी वर्णमाला में वो है य र ल व, इसके बाद है श श स ह, और लास्ट बचेगा क्ष त्र ज्ञ और श्र। ठीक है, ये हिंदी वर्णमाला यहां तक की है। मैंने ऊपर की पांचों लाइन समझा दी है, कचट तप, पहली वाली कंठ, दूसरी वाली क्या तालव्य, तीसरे वाली मूर्धा, चौथे वाली तो त क्या आएगा दंत, और प में ओष्ठ है। सेकेंड लाइन के स्टार्टिंग के चारों स्पर्श संघर्षी हैं, बाकी क से म तक सारे स्पर्श कहलाते हैं। अब ध्यान से इन तीनों को सुन लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है, क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। मैंने लिखा है यर लव, यर लव आपको सबको लाइन याद ही होगी, बहुत ध्यान देना, आगे पीछे इस लाइन में य और व को कहते हैं अर्ध स्वर। क्यों कहते हैं बता दूं, य और व को बोलते टाइम वायु उतनी रुकावट नहीं हुई जितनी की व्यंजन में होती है। म आप बोल के देखेंगे, म हवा को ज्यादा रुकना पड़ा, य कंपैरेटिवली कम रुकना पड़ा, रुकना पड़ा स्वर से ज्यादा रुकना पड़ा, पर व्यंजन से कम रुकावट हुई, स्वर से ज्यादा व्यंजन से कम, इसलिए कहलाए अर्ध स्वर, आधे स्वर हैं। एग्जाम में आएंगे दो दो के जोड़े, कहेंगे अर्ध स्वर पहचानिए, तो याद करना ऊपर की पांच लाइन के बाद जो है ना य र ल व, इसके आगे पीछे अर्ध स्वर है, यानी कौन कौन सा, य और व। अब और ध्यान देना, र और ल बच गए, र और ल को जानने से पहले मैं दो शब्द लिख रही हूं, उनको जानते हैं, लुंठित और पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब क्या होता है, पार्श्व गायक अगर आपने सुना हो, पार्श्व होते हैं जो प्लेबैक सिंगर होते हैं, पीछे गाने वाले, हीरो हीरोइन गाने थोड़ी गाते हैं, साउंड किसी और की होती है। तो पार्श्विक का मतलब है जब आप कोई भी अक्षर बोलते टाइम, कोई भी आप जब उच्चारण करेंगे किसी भी व्यंजन का, यहां मैं बताऊंगी कैसे, उच्चारण करते टाइम जब आपकी जीभ, आपकी जिह्वा ऊपर उठेगी, पहले इसकी बात कर लेते हैं लुंठित की, ऊपर उठेगी जीभ, ऊपर गई और बेलन की तरह मुड़ी, जैसे बेलन गोल होता है ना, ऐसे बेलन की तरह मुड़ी, और मुड़ने के बाद तुरंत नीचे गिरी और वो साउंड क्रिएट हुई। उत्क्षिप्त व्यंजन जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, जो मैं परिभाषा बोल रही हूं, कुछ लोग सोचेंगे उत्क्षिप्त की है, मैं भी इनमें अंतर भी बता दूंगी आपके सामने। पहले लुंठित जान लीजिए, जब हमारी जबान ऊपर गई, ऊपर जाके मुड़ी बेलन की तरह और अचानक से गिरी और वो साउंड क्रिएट हुई, इन्हें कहते हैं लुंठित। पार्श्विक क्या होता है, जब हमारी जीभ किसी भी एक अंग को, चाहे वो किसी भी पार्ट को, चाहे वो तालू को टच करे, मूर्धा को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीभ ऊपर गई, वो ऊपर जाके टच हुई और वहीं पे रुक गई, और जीभ जहां टच हुई है वहां से साउंड क्रिएट नहीं हुई, उसके साइड से हवा बाहर आई और उससे साउंड बनी। आके एग्जाम्पल देखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। बस लुंठित और पार्श्विक का पहले मतलब, पार्श्विक पीछे से, साइड से हवा बाहर निकली और साउंड बनी, लुंठित जीभ ऊपर गई और ऊपर जाके बेलन की तरह मुड़ी और साउंड निकली, तो वो है लुंठित। ठीक है, अब देखिएगा, ल जो है ना, ल ये है पार्श्विक और र है लुंठित। लुंठित
बोल के देख लीजिएगा, र र जब क्रिएट करते हैं साउंड र, तो जबान ऊपर जाती है और इस साउंड को क्रिएट करने के लिए जबान को पीछे थोड़ा सा बेलन की तरह मुड़ना पड़ता है। र र बोल के देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, ऐसे दूसरे के बोलने से समझ में नहीं आता। र बोल के देखिए, ऊपर गई जबान, मुड़ी पीछे बेलन की तरह और तब ये साउंड क्रिएट हुई। इसे कहते हैं लुंठित, लुंठित। ल पार्श्विक है, ल बोलते टाइम अब देखिए जबान ऊपर जाएगी, मसूड़े जो है ना जहां दांतों की जड़ है, लगभग लगभग इनके पास ऊपर वाले दांतों की जड़, जड़ जितने दांत होते हैं उससे काफी अंदर होती है, जड़ उतनी नहीं होती जितने दांत, वो थोड़ी सी अंदर है। ल बोलते टाइम अब देखिए, बोल के देखेंगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, जबान को अपने ऊपर वाले दांतों की जड़ों के पास टच किया, ल वहां आपने जबान को रोका और जहां आपकी जीभ टच हो रही है ना उसके साइड से हवा बाहर आ रही है जिसके कारण आप ल बोल पा रहे हैं, इसे कहते हैं पार्श्विक। तो ल पार्श्विक है, र लुंठित है, य र ल व चार हैं, चारों के अपने अपनी खासियत है। आगे पीछे, आगे पीछे मतलब य और व क्या है, ये अर्ध स्वर, स्वरों से ज्यादा लेकिन व्यंजन से कम, य और व अर्ध स्वर, ल पार्श्विक है पीछे से हवा के कारण आवाज आई है और र है लुंठित, लुंठित वो बेलन वाली जो बनावट है। ठीक है, अगला मैंने लिखा है श श स ह। बहुत सारे लोग तो इनको बोलते ही गलत हैं। हमारे इंडिया में एक दिक्कत है भाषा के ऊपर, खासकर जब जबान सीखता है बच्चा, जब स्कूल में जाता है तो ध्यान नहीं दिया जाता, हम सोचते हैं अपने आप सीख लेगा। देखिए भाषा एक गहना है और इसके ऊपर बचपन से काम किया जाना चाहिए। हमारी अपने कल्चर की अगर मैं बात करूं, हरियाणवी कल्चर में भाषा को लोग एक बोली तक सीमित हमने कर लिया है, बहुत सुंदर बोली है नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा अगर इस बोली को एज इट इज रखते हुए थोड़ा सा हिंदी और अंग्रेजी पर भी अलग से काम कर लिया जाए तो शायद बुरा नहीं है। बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो हिंदी भी बहुत बेहतरीन बोलते हैं, अंग्रेजी भी बेहतरीन बोलते हैं और हरियाणवी भी बहुत बेहतरीन बोलते हैं। भाषा कोई खराब या अच्छी नहीं होती, सभी भाषा सभी बोलियां बहुत सुंदर हैं और बहुत मिठास से भरी हुई हैं। लेकिन जिस भी जबान को सिखाया जा रहा है, कम से कम टीचर्स इस बात का ध्यान दें, जुड़े हुए होंगे बहुत सारे टीचर्स, ये बचपन में थोड़ा सा क्लियर करें कि श श और स साउंड कैसे क्रिएट करनी है, एक बच्चे के लिए सारी बराबर है। आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो श आप देख रहे हैं श, ये आपका सेकंड जो लाइन थी ना, च छ ज झ य, जिसमें स्पर्श संघर्षी थे स्टार्टिंग के चार, इसी में जाएगा ये वाला श। मैं यहां लिख देती हूँ, यहाँ दो अलग से आते हैं दूसरी लाइन में, य और श। 21 वाला श भी बोलते हैं बहुत सारे बच्चे इसको, कुछ इसको शादी वाला श भी कहते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, जैसा आपको याद रहे। ये सेकेंड लाइन में आएगा, यानी ये तालव्य में है। ठीक है, जो ये वाला श देख रहे हैं ना, षटकोण वाला श, कुछ लोग इसको पेट कटा श भी कहते हैं, ये तीसरी लाइन में आएगा मूर्धन्य में, श षटकोण मूर्धन्य में, और श 21 वाला श या शादी वाला श किस में आएगा, दूसरी लाइन में। बीच में बच गया स, ये है दंत मूल, दांतों की जड़ों से बोला जाता है स। स बोलते टाइम आप अपनी जबान को नीचे वाले दांतों की जड़ पर टच करेंगे तो ये साउंड क्रिएट होगी स। और जो ह देख रहे हैं ना, ह श श स ह, ह पहली लाइन में आएगा, पहली लाइन जो थी ना क ख ग वाली, इसमें आएगा, यानी ये कंठ है, क ख ग घ अंग ह, ये कंठ है पहली लाइन में। इसके बाद य और श शादी वाला, ये दोनों दूसरी लाइन में आएंगे तालव्य के साथ, और श षटकोण आएगा मूर्धन्य में। ठीक है, इन चारों को बोलते टाइम जब आप बोल के देखेंगे तो मुंह से गर्म हवा बाहर आएगी। आप जबान बोलते टाइम अपने बहुत करीब अगर हाथ को रखेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे श श स ह, ऐसा जब आप क्रिएट करेंगे साउंड तो आपको गर्म हवा मुंह से बाहर निकलती महसूस होगी, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ऊष्म मतलब गर्मी। ठीक है, लास्ट बचा क्ष त्र ज्ञ श्र, ये चार इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बहुत ज्यादा बार इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ये कोई अलग से व्यंजन नहीं है, ये डेढ़ व्यंजन का मिक्सचर है, इसीलिए इन चारों को कहते हैं, ये अपने आप में अलग से व्यंजन नहीं है, ये संयुक्ताक्षर है, संयुक्त मतलब इकट्ठे, ज्वाइंट नाम देखिएगा, इन्हें कहा जाता है संयुक्ताक्षर। इनकी खासियत है दो चीजों के मेल से बने हैं, एक आधा होगा और एक पूरा होगा, यानी डेढ़ के योग से बना है, वो डेढ़ इन्हीं में कहीं मिल जाएंगे, आधा और एक इन्हीं में है,
इसलिए इन्हें कहते हैं संयुक्ताक्षर। तो पूछे संयुक्ताक्षर की संख्या चार। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे बने हैं। मैंने पहला लिखा है क्ष, दूसरा है त्र, तीसरा है ज्ञ और एक है श्र। जो क्ष देख रहे हैं, क्ष क्षत्रिय वाला, क्षत्रिय कक्षा, ये सुने होंगे ना आपने शब्द। इनमें जो आता है ना क्ष, देखो ये किस किस से बना है, इसमें आधा क है। इस हलंत का मतलब होता है ये आधा है, इसमें अ नहीं है, ये स्वर रहित है, बिना स्वर के है आधा ये। और इसमें क्ष, क्ष में ध्यान दीजिएगा षटकोण वाला श, षटकोण वाला श पूरा और क आधा, डेढ़ से बन गया, संयुक्त हो गया, संयुक्ताक्षर। अगला देखिए, अगला त्र, आप बोलते टाइम ही पहचान जाएंगे, त्र, त आधा र पूरा, त्र, वो किससे बना, क्ष, तो क और श षटकोण। नेक्स्ट मैंने लिखा है ज्ञ, इसको हमें ज्ञ सिखाया गया था लेकिन ये सही में जो साउंड है ना वो ज्ञ नहीं है, वो ज्ञ है। हमारे टीचर्स ने कहा, मुझे ध्यान है कहा करते थे, क से ज्ञ तक लिखो, ज्ञ से ज्ञानी, ये एग्जैक्टली जो साउंड क्रिएट करनी है वो ज्ञ की नहीं है, वो ज्ञ की है, ज्ञ, क्योंकि ये दो से मिलकर बना है, आधा ज और य। देखिए ये रहा य सेकेंड लाइन में, ज, आधा ज और य, ये बना ज्ञ। तो ज्ञानी सही शब्द है अगर इसके हिसाब से देखें, ज्ञानी हमें सिखाया गया था। एग्जाम में ज्यादातर बच्चे इसको गलत करेंगे क्योंकि वो पढ़ के आए हैं बचपन से ऐसे, हमें यही तो सिखाया गया था, ज्ञ आधा ग और य, ये नहीं है, ये है ज जमा य, ज्ञ। नेक्स्ट मैंने लिखा है श्र, देखिएगा किससे बना है, इस 21 वाले श से, या कह सकते हैं शादी वाले श से। एग्जैक्टली अगर बात करें तो ये सेकेंड लाइन वाला श है, तालव्य है ये, ठीक है, श और र, श्र, इन चारों को कहते हैं संयुक्ताक्षर। पहले वाला किससे बना, आधा क प्लस षटकोण वाला श, दूसरा था त्र, आधा त प्लस र, इसके बाद था ज्ञ, आधा ज प्लस य, और उसके बाद था श्र, श्र मतलब श्रमिक वाला, परिश्रम वाला, ये वाला, तो इसमें आधा श 21 वाला और र। आप सभी देख पा रहे हैं इसके स्टार्टिंग में आधे आधे हैं और पीछे वाले पूरे पूरे, क्योंकि ये डेढ़ का मिक्सचर है, ये है इन्हीं में से, इसलिए इन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है। आज हमने हिंदी वर्णमाला का मेन हिस्सा मैंने आपको पढ़ाया, इसके बाद आपकी खुद की जिम्मेदारी है, हर एक की पर्सन। देखिए कोई भी आपको नौकरी नहीं लगवा सकता, कोई भी, आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आप जब तक किताबें नहीं उठाएंगे, पास नहीं होंगे। जितने लोग आपको ये कहते मिलते हैं कि हम वैसे ही पास हो गए, हम वैसे ही लग गए, बिल्कुल सरासर झूठ है। बिना पढ़े कोई नहीं लग सकता, ना बिना पढ़े कोई पास हो सकता, पास नहीं हो सकता, लगने को कोई कुछ भी करे, लेकिन रियलिटी ये है कि जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी टीचर एक प्लेटफॉर्म बना के आपको दे सकता है, तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी। तो जो लोग, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई बस वीडियोस देखी और काम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये एक हेल्पिंग हैंड है हमारे पार्ट पर जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। आप इनको समझने के बाद किताबें उठाइए और देखिए कि क्या जो चीजें आपको समझाई गई हैं वो आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी। मैं 100% श्योर हूँ, अगर आप ये वीडियोस देखने के बाद किताबें उठा के सेम टॉपिक पढ़ेंगे तो आप 100% अपने आप में एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और आपको टॉपिक 100% क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। किताबों से ऊपर कोई फ्रेंड नहीं हो सकता, ये बिल्कुल झूठी बात है कि आप सिर्फ एक वीडियो देख लीजिए और आप पास हो जाएंगे, बिल्कुल बकवास है। बहुत सारे टीचर्स भी हमसे जुड़े हुए होंगे, देखिए किसी को भी ऐसे बहलाना बहकाना बिल्कुल गलत है। जो टीचर्स भी अगर जुड़े हुए हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि हम भी कैसे सीखे थे, क्या कोई वीडियो देखकर कोई सीख सकता है? अगर मैं आज यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैं रोज पढ़ती हूँ तब मैं पढ़ाती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। ये मैंने कुछ दिन पहले क्लास में पढ़ाया, लेकिन यहाँ क्लास लेने से पहले मैंने आधा पौना घंटा फिर से किताबें झांकी वापस। जिन लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ना है उन्हें किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ये बिल्कुल सरासर झूठी बात है। और कोशिश कीजिए कोई किसी को ऐसे ना बहलाए कि एक वीडियो देख लो और तुम पास हो जाओगे, ऐसे वीडियो से कोई पास नहीं हुआ, कोई भी पास नहीं हुआ। मैं अगर बहुत यंग एज में नौकरी पे थी तो उसका कारण मेहनत और पढ़ाई थी, उसका कारण किताबें थी। टीचर्स एक गाइडेंस दे सकते हैं, पढ़ना आपको खुद है, ठीक है। आज हमने वर्ण विचार का टॉपिक, मैंने अपने पार्ट पर जो बेसिक नीड थी, जो घर बैठे लोग हैं जो कोचिंग नहीं आ सकते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना के दे दिया। इसके बाद किताबें उठाइए और खूब पढ़िए, तभी नौकरी मिलेगी। आज की क्लास इतनी ही है। एक मैसेज मैं आपको देना चाह रही थी, एक स्टूडेंट हैं हमारे, कोई हो सकता है जुड़े भी हुए हों, वो उन्होंने मैसेज किया कि रोहतक से हैं वो,
और अभी फिलहाल वो सीजीएल के थ्रू शायद लगे हुए हैं मुंबई में, और शायद वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट में है। तो उनका कहना था कि मैम आप कोशिश कीजिए, मैंने तहसीलदार का भरा है कि आप जो है ज्यादा क्लासेस हरियाणा जीके के लिए। पहली बात तो मैं यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे लोगों का जो नौकरी में होते हुए कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ने की। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, क्योंकि सोसाइटी को हम कुछ ना कुछ दे सकते हैं अगर हम अपनी ग्रोथ करते रहें। अगर हर इंसान अपना अपना विकास करेगा ना, तो ये देश सच में विकसित हो जाएगा। कोई मोदी जी या कोई राहुल गांधी देश का विकास नहीं कर सकता। हर आदमी अपना खुद का विकास करने की ठान ले, और किताबें इंसान की सबसे अच्छी मित्र हैं। अगर आपको आगे ला सकती हैं, आपको कामयाब बना सकती हैं, एक अच्छा इंसान बना सकती हैं, तो वो किताबें हैं। अच्छे अच्छे लोगों की मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ा कीजिए, और हमेशा एनर्जी से भरे रहिए, ठीक है? अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए, जितना हो सकेगा पॉसिबल हम लोग कोशिश करेंगे क्लासेस के माध्यम से आप तक पहुंचाएं, पर किताबों की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, टीचर्स भी किताबों के रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है? तो जम के पढ़िए, वीडियोस देखने के बाद किताबें भी उठाइए, और बेहतरीन ढंग से अपने इस चांस का यूटिलाइजेशन कीजिए। थैंक यू।